ये हमारा सिलेबस था जिसको हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसमें से ऑलमोस्ट तमाम जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो एक दो टॉपिक्स जो हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप काइंडली खुद से देख लीजिएगा। उसमें हमारे पास ये आ जाता है फाइल सिस्टम है, कुछ आयो इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो है वो तकरीबन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो है वो आखिरी लेक्चर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो किसी का को अगर क्वेश्चन हुआ तो वो फ्रीली जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो आज जो है हम जिस बुक को फॉलो करेंगे वो है हमारे पास आईटी सीरीज। तो उम्मीद है ये बुक आपने पहले से भी पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर जो है इसमें काफी ज्यादा जो है वो आसान दिया हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डेडलॉक, ठीक है। तो डेडलॉक और इसमें इसके वाले से जो कुछ बातें हैं चंद एक, वो आज हम उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि हमारे पास जी डेडलॉक हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो डेडलॉक जो है वो हमारे पास है, रियल लाइफ में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप मेरे ख्याल समझते भी होंगे कि डेडलॉक से क्या है मुराद है हमारे पास, कि हमारे पास क्या है कि सिस्टम के अंदर जो है जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा जो है वो प्रोग्राम जो है वो रन हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास किसी चीज के। तो अब हमारे पास क्या है कि कोई मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं, और लेकिन उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ठीक है। और वो क्या करते जा रहे हैं, वो वेट ही करते जा रहे हैं कि वो वाले रिसोर्स जो है वो हमें मिल जाए। तो ये वाला जो फेनोमिना है इसे हम क्या कहते हैं, डेड लॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम देखें तो ये हमारे पास है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इन अ डेड लॉक स्टेट व्हेन एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन ओनली बी कॉज बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। तो हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो डेड लॉक स्टेट के अंदर होते हैं, और ये जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई और जो प्रोसेस है जो उस वक्त रन हो रहा है कि वो कोई ना कोई इवेंट अकर होगा, तो ये वाला जो डेडलॉक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि इवेंट से अब मेरी मुराद ये है कि कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो उसके पास जो रिसोर्स है वो क्या करेगा, उस रिसोर्स को छोड़ देगा। जब वो उस रिसोर्स को छोड़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेडलॉक जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ मिसालें देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको ज्यादा वाजे हो सके। यहाँ पे आपके पास ये एक रियल लाइफ की हमारे पास मिसाल है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चौरस्ता है हमारे पास, ठीक है। हर तरफ से हमारे पास क्या आ रही है, चार गाड़ियां आ रही हैं हर तरफ से। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गई है कि डेड लॉक जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है, आकर हो चुका है, ठीक है। तो हर गाड़ी जो है वो वेट कर रही है कि इनमें से कोई गाड़ी जो है पीछे हटे तो तब जो है वो रास्ता खुलेगा, वरना क्या रहेगा, ऐसे ही हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, डेड लॉक जो है वो वाकई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसकी, डेड लॉक की। इसी तरह से हमारे पास बिलफर्ज ये ट्रेन की पटड़ी है, ठीक है। तो इस तरफ से अगर एक ट्रेन आती है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है वो इस तरफ से आ जाती है, तो तब भी हमारे पास क्या है, डेड लॉक जो है वो अक्कर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेन जो है वो आगे अब मूव नहीं कर सकेगी। तो ये दो मिसालें थी हमारे पास जो आम जिंदगी में हमारे पास पाई जाती हैं। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हो सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास जैसे प्रिंटर हो गया हमारे पास, ठीक है, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो कोई फाइल आपके पास हो सकती है। इसी तरह से मेमोरी जो है वो हमारा कोई रिसोर्स है जिसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि बिलफर्ज एक टेप ड्राइव है हमारे पास, और एक जो है हम कह लेते हैं कि हमारे पास प्रिंटर है, ठीक है, और दो हमारे पास क्या है जी, प्रोसेसेस है। जैसे कि ये वाली इमेज जो है आपको इसमें भी नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, और एक दो ही रिसोर्सेज हैं। तो पहला रिसोर्स कौन है, प्रिंटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, टेप ड्राइव है, ठीक है। तो प्रोसेस ए जो है उसके पास कौन है, प्रिंटर है। प्रोसेस ए ने किसको पकड़ा हुआ है, प्रोसेस ए ने प्रिंटर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और प्रोसेस बी जो है उसने क्या किया हुआ है, टेप ड्राइव को पकड़ा हुआ है।
अब जो है इन दोनों के पास एक एक रिसोर्स है, हर प्रोसेस के पास एक एक रिसोर्स है। अब प्रिंटर जो है वो प्रोसेस ए जो है बिलफर्ज वो क्या करना चाह रहा है, वो टेप ड्राइव को इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन टेप ड्राइव किसके पास है, प्रोसेस बी के पास। और इसी तरह से प्रोसेस बी जो है वो किसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाह रहा है, और वो किसके पास है, वो है प्रोसेस ए के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेड लॉक जो है वो अकर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है अपने पास मौजूद जो है वो रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे रिसोर्स जो है उसको हासिल करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेड लॉक जो है वो हमारे पास अकर हो जाएगा, और ये दोनों जो है हमेशा क्या करते रहेंगे, दूसरे रिसोर्सेज का वेट करते रहेंगे। तो अब आपकी ये समझ में डेफिनेशन आ जानी चाहिए जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास डेड लॉक जो है वो कब खत्म होगा, एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट। तो हर प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है किसी इवेंट का, दैट कैन ओनली बी कास्ड बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। तो वो इवेंट जो है उसी सेट में मौजूद किसी प्रोसेस ने जो है वो अकर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवेंट क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि प्रोसेस ए जो है वो प्रिंटर को छोड़ दे, या प्रोसेस बी जो है वो टेप ड्राइव को छोड़ दे। तो ये इवेंट जैसे ही हमारे पास अकर होगा तो डेड लॉक की सिचुएशन हमारे पास खत्म हो सकती है, वरना ऐसे हमारे पास हमेशा डेड लॉक रहेगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे रिसोर्स की उसने बात की हुई है, कि रिसोर्स आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जो जिसको प्रोसेस इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से जी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे टेप ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है हमारे पास, या प्रिंटर वगैरह है, और इसी तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन के वाले से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हो सकते हैं रिसोर्स, जैसे कोई फाइल है हमारे पास, इसी तरह से उस फाइल के अंदर कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, या कोई हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल है, या क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन चीजें जो है हमारे पास, इंफॉर्मेशन जो है ये भी हमारे पास क्या है, रिसोर्स ही है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कुछ टाइप्स जो है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। तो हमारे पास होते हैं प्रियम्प्टेबल रिसोर्सेज और नॉन प्रियम्प्टेबल रिसोर्सेज। तो प्रियम्प्टेबल रिसोर्स, जैसा कि आपको नाम से ही अब समझ आ चुका होगा, ऐसे रिसोर्सेज जिनको प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस से छीन सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाएगा, प्रियम्प्टेबल रिसोर्सेज बोला जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेमोरी, या प्रियम्प्टेबल का एक और यहाँ पे आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेमोरी हो गया हमारे पास, या बफर हो गया, या सीपीयू वगैरह हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास क्या है, प्रियम्प्टेबल रिसोर्स हमारे पास कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि नॉन प्रियम्प्टेबल होते हैं अपनी नेचर में। मिसाल के तौर पर जनाब हमारे पास प्रिंटर है, तो प्रिंटर हमारे पास क्या होगा, नॉन प्रियम्प्टेबल रिसोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये शेयर नहीं हो सकता, और जब उसमें कोई हमने कोई ट्रांजेक्शन या उसमें कोई बिलफर्ज हम कोई प्रिंट वगैरह निकाल रहे हैं, तो अब हम उससे प्रिंटर वापस उस प्रोसेस से नहीं ले सकते जब तक प्रिंट का अमल जो है मुकम्मल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रियम्प्टेबल रिसोर्स बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहते हैं कि द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स एज अ रिसोर्स। तो हमारे पास जो इवेंट्स अकर होते हैं वो क्या है, कि सबसे पहले प्रोसेस जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की, फिर उस जब उसको रिसोर्स मिल जाता है तो उसको यूज करता है, और यूज करने के बाद वो क्या करता है, आखिरकार रिसोर्स जो है उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है हमारे पास, कि हमारे पास हमेशा आखिर में जो है रिसोर्स जो है उसको हमेशा जो हमारा जो प्रोसेस है वो लाजमन क्या कर देगा, लीव कर देगा, उसको रिलीज लाजमी कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे हमारे पास जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेड लॉक जो है उसकी हमारे पास चार कंडीशंस हैं जिन्हें ये कह रहा है डेड लॉक कैरेक्टराइजेशंस। तो जब ये चार कंडीशन कहीं पे भी पूरी हो जाए तो हमारे पास लाजमी लाजमी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेड लॉक जो है वो अकर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो हमारे पास कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हमारे पास ये है कि जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो उस रिसोर्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो जब वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा तो नॉन शेयरेबल मोड में जो है वो उस कोई प्रोसेस जो रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा उसको कोई और प्रोसेस जो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
होल्ड एंड वेट का मतलब हमारे पास ये है कि किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड भी किया हुआ है और किसी और का वेट भी कर रहा है, मतलब अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को छोड़ नहीं रहा और दूसरे रिसोर्सेज का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रियम्प्ट नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरह के रिसोर्सेज जो है इस वक्त हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हमारे पास सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट जो जैसे हम पीछे भी देख के आए हैं कि हमारे पास क्या बन गया था, एक सर्कल जो है वो हमारे पास बन जाता है, जैसे कि ये वाली जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक सर्कल जो है वो अब हमारे पास बन रहा है। तो जब हमारे पास कोई सर्कल बन जाता है जिसमें कोई प्रोसेस किसी को और रिसोर्स को होल्ड भी कर रहा होता है और वेट भी कर रहा होता है, तो जब भी ये हमारे पास सर्कल बन जाए तो लाजमी है हमारे पास जो है वो 1.5 लाख कक्कर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये चार कंडीशन जब किसी सिस्टम में पूरी हो जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट, जब ये चार कंडीशन हमारे पास पूरी हो जाए तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, 1.5 लाख लाजमी लाजमी जो है वो हमारे पास अक्कर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमने कहा था प्रोसेसेस होते हैं और हमारे पास होते हैं रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ग्राफ हम बनाते हैं ताकि हम ग्राफिकली जो है वो देख सकें अपना जो 1.5 लाख है, अगर हमने उसको ग्राफिकली डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ नोड्स होती हैं और ये नोड्स आपके पास क्या हो सकती हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं और आपके पास क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस जो है उसको आप कुछ इस तरह से जो है वो ये वाला जो सर्कल टाइप है आप इस तरह से इसको जो है वो बनाते हैं, और रिसोर्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, रिसोर्स जो है वो आपके पास इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्स जो है उनके जो जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेस हैं वो क्या किए जाते हैं, इस तरह से हमारे पास ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है उसकी ब्लैक डॉट की मदद से रिसोर्सेज जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। मीन टू से कि यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक रिसोर्स मौजूद है, और इसी तरह से एक रिसोर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमारे पास देखने वाली है वो ये है कि अगर हमारे पास रिसोर्स से तीर जा रहा हो प्रोसेस की तरफ तो इसका मतलब है कि इस वक्त इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को अकोपाई कर रखा है, मतलब ये जो प्रोसेस है इस रिसोर्स को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। बिलफर्ज ये रिसोर्स अगर प्रिंटर है उसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो है इस वक्त प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हमारे पास ये जो तीर जा रहा है इसका रुख जो है वो रिसोर्स की तरफ होगा तो ये चीज जो है वो बताएगी कि हमारा प्रोसेस जो है वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है इस रिसोर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है उसमें इस तरह से जो है वो कुछ सैम्पल्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली जो अगर आपके पास सिचुएशन आ जाए आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.5 लाख अक्कर हो चुका है। इसका सादा सादा मतलब हमारे पास जो है वो यही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखें कि आपके पास एक एक प्रोसेस है और एक एक ही जो है वो हमारे पास क्या है, रिसोर्स मौजूद है। हमारे पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज भी हर एक टाइप के हो सकते हैं, जैसे रिसोर्स टाइप ए है तो हो सकता है इसका एक और रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो हम इमेज देख रहे हैं स्पेसिफिक इसमें हमारे पास क्या है, हर रिसोर्स की सिर्फ एक एक नोड जो है हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिसोर्स ए जो है उसने किसको ऑक्यूपाई कर रखा है, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है प्रोसेस सॉरी हमारा जो प्रोसेस एक्स है उसने क्या कर रखा है, रिसोर्स बी जो है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। देखें ये तीर का रुख जो प्रोसेस की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब है प्रोसेस एक्स के पास कौन है, रिसोर्स बी मौजूद है। इसी तरह से प्रोसेस वाई के पास कौन सा रिसोर्स मौजूद है, रिसोर्स ए जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी हमारे पास कि प्रोसेस एक्स ने होल्ड कर रखा है रिसोर्स बी को लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स ए की। इसी तरह से प्रोसेस वाई ने रिसोर्स ए को जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है लेकिन वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, रिसोर्स बी की, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप देखें आपके पास जो है वो एक सर्कल बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या ये वाली जो इमेज है या ये वाला जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक डेड लॉग जो है वो हमारे पास अक्कर हो चुका है, ठीक है। तो अब ये वाली आगे देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये सेम सिचुएशन है हमारे पास लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स ए जो है
अब उसके हमारे पास क्या हो चुके हैं, इसके हमारे पास जनाब यहाँ पे दो इंस्टांसेस मौजूद हैं, रिसोर्स है के दो इंस्टांसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेड लॉक का खतरा नहीं रहा। कैसे नहीं रहा डेड लॉक का खतरा, वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आप देखें कि हो सकता है कि यहाँ पे रिसोर्स है की रिक्वेस्ट यहाँ पे कौन कर रहा है, रिसोर्स है की रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है ये वाला प्रोसेस एक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो जेड है ये इस वाले इंस्टांस को वो जल्दी से छोड़ दे, तो जैसे ही वो छोड़ेगा तो प्रोसेस एक्स जो है वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये वाला रिसोर्स है इसको जो है वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है इस तरह से सर्कुलर वेट जो है वो एक चीज जो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक थी वो अब हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास जो है बिल्कुल वो जो एक डेड लॉक का खतरा था वो अब हमारे पास मौजूद नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास साइकिल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी रिसोर्स के एक से ज्यादा नोड्स मौजूद हों तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेड लॉक के ज्यादा खतरात नहीं रहते, क्योंकि अब हमारे पास जो एक सर्कल है वो अब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो कि हमारा ग्राफिकली समझने में मदद देता है किस चीज को, डेड लॉक को, ठीक है। तो डेड लॉक जो है उसको हैंडल करने के हमारे पास तीन तरीकेकार हैं। सबसे पहला तो जनाब हमारे पास है कि हम क्या करेंगे कि डेड लॉक को अवॉइड करेंगे कि डेड लॉक अक्कर ही ना हो, उसको प्रिवेंट करेंगे कि डेड लॉक हमारे पास अक्कर ही ना हो। कुछ इस तरह के एल्गोरिदम वगैरह हम लगाएंगे सिस्टम में कि हमारे पास डेड लॉक अक्कर ना हो। दूसरा ये है कि डेड लॉक हमारे पास अक्कर हो गया है लेकिन हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है वो हमारे पास ये है कि डेड लॉक हमारे पास अक्कर हो चुका है लेकिन हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीसरी अप्रोच को अमूमन इस्तेमाल करता है कि अगर हमारे पास डेड लॉक हो भी जाए तो उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करता। आमतौर पर हमारे पास सिस्टम जो है वो फिर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो हम बहरहाल पहला जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेड लॉक प्रिवेंशन। डेड लॉक प्रिवेंशन हमारे पास क्या है, जो पहला पार्ट तरीकाकार है हमारे पास डेड लॉक को हैंडल करने का, जिसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो डेड लॉक अक्कर ही ना हो, ठीक है। तो अब डेड लॉक से बचने के लिए मैंने आपको चार कंडीशन बताई थी। हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट है हमारे पास, नॉन प्रिएम्पशन है, और आखिरी जो है वो सर्कुलर वेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई सिचुएशन जो है जहां जहां पे मुमकिन हो तो हम ये वाली जो सिचुएशंस हैं उनको अक्कर ही ना होने दें। तो अगर ये सिचुएशंस अक्कर ना हो हमारे पास तो इसका मतलब है कि हम डेड लॉक जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो पहली सूरत हाल देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमारे पास क्या है। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह के रिसोर्स हो जो कि शेयरेबल हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि अगर कहीं पे 1.5 लाख अक्कर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे अपने रिसोर्सेज को शेयर कर देंगे, ठीक है। या हो सकता है कि हम एक प्रोसेस से लेके रिसोर्स जो किसी दूसरे प्रोसेस को दे देंगे, ठीक है, या आपस में उनको शेयर करवा देंगे। लेकिन ये सूरत हाल जो है अमूमन होती नहीं है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन शेयरेबल हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रिंटर है, तो प्रिंटर जो है उसको आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिंटर को सिर्फ एक ही जो प्रोसेस है वो एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो एक सूरत हाल है उस पर हम आमतौर पे काबू नहीं पा सकते, ठीक है। तो अब हम दूसरी सूरत हाल को देखते हैं कि होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट में हमारे पास वो कहता है कि दो तरीकाकार हम कर सकते हैं, कि पहला ये है कि हम क्या करेंगे कि वन अप्रोच इज दैट अ प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स इन वन सिंगल रिक्वेस्ट एट अ प्रोसेस स्टार्टअप। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के शुरू में ही वो बता देगा कि भाई मुझे ये वाले रिसोर्सेज चाहिए। द सिस्टम विल नॉट ग्रांट एनी रिसोर्स इन द लिस्ट अंटिल इट कैन ग्रांट ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो जब तक उसके पास पूरे रिसोर्सेज उसको नहीं दे दिए जाते तो हमारा वो प्रोसेस जो रन नहीं करेगा। एक सूरत हाल तो हमारे पास ये है होल्ड एंड वेट के, उसे वेट ना करना पड़े, वो क्या करेगा सारे के सारे प्रोसेस को ले लेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब दूसरी सूरत हाल, अब वो कहता है कि हमारे पास होल्ड एंड वेट से बचने की क्या हो सकती है। तो इसमें वो कह रहा है कि टू अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट इज कंकरेंटली करंटली होल्डिंग नो रिसोर्सेज। तो इस वक्त उसके पास वो कब रिक्वेस्ट कर सकता है, जब उसके पास कोई रिसोर्स मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई रिसोर्स मौजूद नहीं होगा उस सूरत में वो क्या करेगा, किसी और रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा।
तो उस सूरत में जो है वो कहता है कि होल्ड एंड वेट जो है इसे हम निकल सकते हैं, लेकिन इन दोनों अप्रोचेज के साथ भी हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला जो अप्रोच थी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास प्रोसेस को शुरू ही हम तब करवाएंगे जब उसके पास क्या होंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास इस अप्रोच में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास वो कहता है कि दिस इज स्पेशली सीरियस इफ अ प्रोसेस डज ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सॉरी यहाँ से देखें, इफ वी एलोकेट ऑल प्रोसेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस इट मे होल्ड रिसोर्सेज व्हेन इट डज नॉट नीड देम। हो सकता है कि हम क्या करेंगे, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो उसको सारे रिसोर्सेज तो हमने दे दिए, लेकिन वो क्या करेगा, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके पास वो रिसोर्सेज वेले पड़े हुए हैं, तो सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बहरहाल हम नहीं चाह रहे, ठीक है। और दूसरा जो हमने कहा था कि हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो तब ही रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास क्या होगा, कोई प्रोसेस जो है कोई रिसोर्स मौजूद नहीं होगा। तो इस सूरत में हमारे पास क्या हो सकता है, स्टारवेशन का अमल हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अब हमारा जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या करता रहेगा, वेट ही करता रहेगा, ठीक है। उसे वो कोई रिसोर्सेज जो है वो मिलेंगे नहीं, उसने अपने वाले रिसोर्सेज तो छोड़ दिए हैं, लेकिन और रिसोर्सेज जो है उसको मिल ही नहीं रहे। अब वो वेट पे वेट ही करी जा रहा है, दूसरे प्रोसेस जो है वो निकलते जा रहे हैं, जबकि कोई खास प्रोसेस जो है उसने अपने रिसोर्सेज तो छोड़ दिए हैं, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज का वो अब वेट ही करता जा रहा है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं, कि जिसमें कोई प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कभी भी मुकम्मल नहीं कर पाता, जबकि दूसरे प्रोसेस जो है वो हमेशा जो है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अप्रोचेज थी होल्ड एंड वेट को खत्म करने के लिए, लेकिन दोनों के साथ हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नो प्रियम्पशन में। तो नो प्रियम्पशन में भी हमारे पास कुछ उसी तरह की बात आ जाती है जैसे हमने पहले की है, कि कुछ प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन शेयर नॉन प्रियम्प्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटर है, तो दौरान प्रिंटिंग जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोसेस है उसे प्रिंटर को नहीं छीन सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसने कुछ सिचुएशंस दी हैं, देखते हैं ये क्या सिचुएशन है। As soon as a process requests for a resource that is not available, all of its held resources are released. तो जब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की जो कि उसके पास मौजूद नहीं है, तो सूरत में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने सारे के सारे रिसोर्स को रिलीज करने पड़ेंगे। द प्रोसेस इज नाउ वेटिंग फॉर ऑल प्रीवियसली हेल्ड रिसोर्स प्लस द रिसोर्स दैट इट रिक्वेस्टेड। तो अब यहाँ पे देखें कि उसने क्या हो गया उसके साथ, कि उसने अपने प्रोसेस जो है उसको भी अपने रिसोर्सेज को भी छोड़ दिया। तो अब वो वेट कर रहा है जो पिछले उसने रिसोर्सेज छोड़े थे उनका भी, और जो उसने नया डिमांड किया था उसका भी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज अवेलेबल इट गेट्स इट, अदरवाइज द सिस्टम चेक्स दोज प्रोसेस दैट आर होल्डिंग द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड मे बी वेटिंग फॉर सम more resources. In this case, resources taken away from the waiting process and allocated to the requesting process. तो अब हमारे पास किसी रिसोर्स के पास प्रोसेस के पास वेले पड़े हुए थे, उस सूरत में हमने क्या किया, उससे वो प्रियम्प्ट कर लिए, किसी और को दे दिए, ठीक है। तो कहते हैं कि if this can't happen, the process has to wait, वरना हमारा प्रोसेस जो है उसको वेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द वेट सम अदर प्रोसेस मे गेट सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज। तो अब वो दोबारा वही बात आ गई कि वो क्या करता जा रहा है, वो वेट करता जा रहा है, और इसको अपने रिसोर्सेज जो है वो क्या करने पड़ रहे हैं, रिलीज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीएम्प्शन जो है वो भी हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे पास पहली सिचुएशन थी या दूसरी सिचुएशन थी। तो ये हमारे पास कोई ज्यादा काबिले अमल चीज नहीं है, ठीक है। तो अब आखिरी सिचुएशन है हमारे पास सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि सर्कल नहीं बनने देंगे, ठीक है। जैसे हम पहले भी एक दो बार ये मिसालें देख चुके हैं, अब सर्कल ना बने इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए हम ये करेंगे कि हर एक जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम क्या करेंगे, कोई नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर टेप ड्राइव जो है उसको नंबर 1 दे दिया, डिस्क ड्राइव को नंबर 5 दे दिया, प्रिंटर जो है उसको नंबर 12 दे दिया। तो कहते हैं कि जब हम एक खास सीक्वेंस के अंदर प्रोसेसेस को अलाट करते हैं ये वाले रिसोर्सेज, तो तब हमारे पास जो है वो सर्कुलर वेट बनने के चांसेस जो है वो
नहीं रहते, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं, कि हमारे पास हो सकता है कि ये जो हमारे पास द ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स नंबरिंग में प्रूव इनकन्वीनियंट, तो ये हमारे पास इनकन्वीनियंट हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि ये कुछ ज्यादा सिचुएशन वैसे बुरी नहीं है, देर आर ऑफन नेचुरल वेज ऑफ नंबरिंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस जनरली यूज इनपुट डिवाइसेज को हम क्या कर लेंगे आउटपुट डिवाइसेज से पहले यूज कर लें, तो तब भी हमारे पास सर्कुलर वेट जो बनने के चांसेस जो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या किया, ये हमारे पास पहली टेक्निक थी जिसमें हमने जो हमारे पास थी डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें हमने देखा कि जो चार हमारे पास कंडीशंस हैं हम उनको जो है वो अक्कर नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई ना कोई कंडीशन जो है वो अक्कर ना हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, होल्ड एंड वेट था, नो प्रीएम्पशन थी, या सर्कुलर वेट है, तो इनमें से हम किसी ना किसी को जो है वो अक्कर अगर ना होने दें तो हमारे पास उम्मीद है कि डेढ़ लाख अक्कर जो है वो वाक्य नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि हर जो हमारे पास सोल्यूशन था उसका कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अप्रोच है वो है डेढ़ लाख अवॉइडेंस। तो डेढ़ लाख अवॉइडेंस भी प्रिवेंशन की तरह हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास डेढ़ लाख को हम अवॉइड कर लें, ठीक है, किसी तरह से डेढ़ लाख अक्कर ही ना हो हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब डेढ़ लाख अवॉइडेंस की बात करते हैं तो तब हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास सेफ स्टेट, ठीक है। तो सेफ स्टेट से क्या मतलब है, अ स्टेट इज सेट टू बी सेफ स्टेट इफ द सिस्टम मे एलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू मैक्सिमम रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो अगर एक खास सीक्वेंस में वो क्या करेगा, जो मतलूबा रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेसेस को देगा, तो और उस दौरान में वो कुछ इस सीक्वेंस में फ्राहम करे कि डेढ़ लाख अक्कर ना हो, तो ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, सेफ स्टेट जो हमारे पास कहा जाता है। तो इसको हम ये एक मिसाल दी हुई है, इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास हैं जी तीन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास तीन रिसोर्सेज हैं P0, P1 और P2। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि 24 जो है वो रिसोर्सेज हैं। टोटल हमारे पास टेप ड्राइव्स कितनी है, टोटल है जी हमारे पास 24। अब इनमें से P0 जो है उसको 20 चाहिए, P1 को 8 जो है वो नोड्स चाहिए, और P2 को 18 रिसोर्सेज चाहिए टेप ड्राइव के। लेकिन इस टाइम में हमने क्या किया हुआ है, ये अगर आप इस टेबल में देखें तो करंटली हमने क्या किया हुआ, P0 को 10 दिए हुए हैं, P1 को 4 दिए हुए हैं और P2 को भी 4 दिए हुए हैं, और टोटल हमने 24 में से कितने अलाट कर दिए, 4 और 8 हमारे पास यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 18 जो है वो रिसोर्सेज हमने जो है वो तीनों प्रोसेस को दे दिए हैं, और 6 जो है वो अब हमारे पास क्या है, बाकी हैं। अब ये जो 6 हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम देखते हैं कि अगर हम सेफ सीक्वेंस में कैसे हमारे पास कौन सा सीक्वेंस सेफ बन सकता है और कौन सा सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, अनसेफ बनेगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे देखें कि P1 को कितने चाहिए, P1 को जनाब 8 चाहिए, हमने कितने दिए हुए, 4 दिए हुए, और हमारे पास इस वक्त खाली कितने पड़े हुए, 6 पड़े हुए। तो हमने क्या किया, इनमें से 6 में से 4 इसे और अलाट कर दिए, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सीक्वेंस बना देंगे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब P1 के पास 8 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और बाकी कितने हमारे पास बच गए, बाकी बच गए 2। अब P1 ने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से ये 8 के 8 रिसोर्सेज जो है वो रिलीज हो गए, 2 हमारे पास पहले पड़े हुए थे, तो कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए हैं, ठीक है। तो 10 रिसोर्स तो 10 रिसोर्स जो है, 10 रिसोर्स जो है वो इस वक्त हमारे पास क्या है, खाली पड़े हुए हैं। अब हमारे पास देखें, P1 तो हमारा जो है वो खत्म हो चुका है इसका काम, ठीक है, तो हमारे पास P2 को कितने चाहिए, 4 इसके पास पहले हैं और 14 और चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, और इसी तरह से P0 जो है उसको कितने चाहिए, 10 और चाहिए, तो ये जो 10 है वो हम किसको दे देंगे, P0 को दे देंगे। तो P0 के पास 10 ही है और 10 पहले वाले आ गए, 10 और 10 हो गए इसके पास 20, और इसने अपना काम निकाल लिया, ठीक है। अब ये 20 रिसोर्सेज यहाँ से खाली हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, P2 जो है उसको इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 20 रिसोर्सेज हमारे पास खाली हैं और यहाँ पे हमें चाहिए कितने थे, ओनली 14 हमें चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस हमारे पास क्या बनता है, कि पहले जनाब P1 को रन करो, फिर P0 को रन करो,
और फिर पी टू को अगर हम इस सीक्वेंस में अगर हम अपना ये वाला जो प्रोसेसेस हैं इनको रन करते हैं, तो तब हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो किस में है, सेफ सीक्वेंस में है, ठीक है, या सेफ स्टेट में। अगर ये सीक्वेंस हमारे पास सेफ सीक्वेंस कहलाता है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, स्टेट जो बनेगी वो क्या होगी, हमारे पास सेफ स्टेट होगी, ठीक है। अब हमारे पास अनसेफ सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कह देता है। तो वही पहले वाली सिचुएशन है कि हमारे पास 6 खाली पड़े हुए हैं और 24 टोटल हैं, उन्होंने बाकी कुछ इस तरह से अलाट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फैसला किया, कहते हैं कि अब की बार जो है, द सिस्टम हैज नाउ 4 फ्री ड्राइव्स, सॉरी, सपोज एट सम टाइम पी टू रिक्वेस्ट टू मोर रिसोर्सेज। तो पी टू जो है उसने कहा जी मुझे 2 और रिसोर्सेज जो है वो अलाट कर दें, ठीक है। इसे टोटल कितने चाहिए, अभी 14 और चाहिए। इसने कितने और मांग लिए हैं, इसने 2 और मांग लिए हैं, 6 हमारे पास खाली पड़े हुए थे, 2 यहाँ पे चले गए, तो हमारे पास कितने अभी पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, पी टू ने अपना काम निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, 4 और 2 6, तो ये 6 जो है हमारे पास खाली हो गए, 6 जमा 4, अब हमारे पास क्या है, टोटल कितने हो गए हैं जनाब, अब हमारे पास हो गए हैं 6 और 4 हमारे पास हो गए हैं 10 हो गए हैं, ठीक है। और पी टू जो है अभी भी हमारे पास जो है वो खत्म नहीं हुआ, क्यों, इसको कितने चाहिए, इसको टोटल चाहिए थे 18, हमने अभी तक कितने अलाट किए हैं, हमने अभी तक अलाट किए हैं इसे सिर्फ 6, ठीक है। दोबारा से, ये थोड़ी सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ये दोबारा से देख लें कि हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है 6 जो रिसोर्सेज खाली पड़े हुए हैं, और हमने किसका फैसला किया है, हमने फैसला किया है पी टू को रन करने का। तो पी टू ने कहा कि जनाब मुझे क्या करें, 2 मजीद दे दें, तो 4 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 रिसोर्सेज को ये इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे पास कितने रह गए हैं, हमारे पास रह गए हैं 4, ठीक है। अब पी टू का भी काम नहीं खत्म हुआ, क्योंकि उसे चाहिए थे 18, हमने कितने दिए हैं, अभी तक सिर्फ 16 दिए हैं। अब हमारे पास जो है ये 4 जो है मजीद जो है, बिलफर्ज वो कहता है पी वन ने कहा जी मुझे दे दें, तो हमने बिलफर्ज पी वन को ये 4 के 4 उठा के दे दिए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 14, ठीक है। जबकि इसको चाहिए कितने थे, इसको चाहिए थे 10 और चाहिए थे। अब हमारे पास कोई और रिसोर्स खाली भी नहीं पड़ा हुआ, ना इसका काम मुकम्मल हुआ, ना इसका काम मुकम्मल हुआ, और ना ही इसका काम मुकम्मल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस, जैसे ही हमने गलत किया तो हमारे पास जो है वो एक डेड लॉक अकर होने के चांसेस हो गए, क्योंकि अब हर एक जो है वो फंस चुका है, हर एक प्रोसेस जो है वो मजीद जो है वो रिसोर्सेज मांग रहा था, लेकिन हमने चूंकि गलत सीक्वेंस में इसे चलाया है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डेड लॉक अकर हो जाएगा। तो इस तरह की जो सीक्वेंस है उसमें उसे हम क्या कहते हैं, अनसेफ सीक्वेंस का नाम उसे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो पीछे हमने ये जो अनसेफ सीक्वेंस है या सेफ सीक्वेंस है, इससे निपटने के लिए हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसका हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो बनाते हैं। इसमें हम हमारे पास क्या है, कुछ नए एजिज आ गए हैं, ठीक है। तो एक है हमारे पास क्लेम एज और एक है हमारे पास असाइनमेंट एज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्लेम एज हमारे पास क्या है और असाइनमेंट एज क्या है। जब किसी प्रोसेस को कोई रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो तब उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा क्लेम एज, ठीक है। और उसे हम डॉटेड लाइन के साथ जो है वो इस तरह से, अब देखें कि पी टू और पी वन दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लेम कर रहे हैं, तो क्लेम को हमने क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन के साथ जो है वो शो कर देना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लेम एज हमारे पास कहलाएगा। और जब किसी प्रोसेस को मतलूबा रिसोर्स मिल जाएगा, जैसे ये पी टू ने आर टू को रिक्वेस्ट किया और उसको ये अलाट हो गया, अब हमने वो जो डॉटेड लाइन थी उसको क्या किया है, उस डॉटेड लाइन को हमने क्या कर दिया, सॉलिड लाइन में बदल दिया है। तो ये अब हमारे पास क्या कहलाएगा, असाइनमेंट एज हमारे पास कहलाएगा। इससे पहले हमने इसे क्या बोला था, इससे पहले इसे हमने क्लेम एज का नाम दिया था, ठीक है। अब इस ये एल्गोरिदम हमारी मदद करेगा प्रिवेंट करने में डेड लॉक को, कैसे मदद करेगा। अब देखें, अब सिस्टम ने पी वन जो है वो किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, आर टू की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो क्लेम एज है उसको हम बना दें असाइनमेंट एज, और हमारे पास बन जाए सर्कल या सर्कुलर वेट हमारे पास बन जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो एल्गोरिदम है इसको रन नहीं करेंगे। मीन टू से कि हमारे पास
हम इस ये जो ग्राफ है, ग्राफ एल्गोरिदम है, इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, पहले ही जान लेंगे कि अगर हमने ये जो क्लेम एज है इसको असाइनमेंट एज में बदला तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास 1.5 लाख अकर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर उस सीक्वेंस में जो है वो प्रोसेसेस उनको रन नहीं करेंगे। तो इस तरह से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम जो है वो हमारी मदद करता है 1.5 लाख से बचने में। ठीक है, तो एक और एल्गोरिदम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपने बस इसका आपको पता होना चाहिए ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम। तो बैंकर एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास लेस एफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमें बचाता है सर्कुलर वेट से। इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड होल्ड, नो प्रीएम्पशन, ये सारी सिचुएशंस जो है वो अकर हो सकती हैं, लेकिन सर्कुलर वेट जो हमारे पास अकर नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम था, ऐसे बैंकर एल्गोरिदम है जो कि हमें क्या करता है, मदद देता है किसे बचने में, डेडलॉक से बचने में। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ जो है वो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अवेलेबल, मैक्स एलोकेटेड और नीड। अवेलेबल का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं। मैक्स का मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो कितने अलाट, रिक्वायरमेंट कितनी है मैक्सिमम की। एलोकेटेड के इस वक्त हर प्रोसेस को हमने कितने कितने एलोकेट किए हुए हैं। नीड का मतलब है कि हर प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्सेज की जो है वो नीड है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स जो है वो बना लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो ये बैंकर एल्गोरिदम था आपके पास। अब देखें कि हमारे पास है कि हमने ना तो अवॉइड किया 1.5 लाख को और ना ही हमने प्रिवेंट किया 1.5 लाख को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1.5 लाख अक्कर हो सकता है। अब हमने डिटेक्ट करना है आया कि हमारे सिस्टम में 1.5 लाख अक्कर तो नहीं हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस हो सकते हैं हर रिसोर्स टाइप के, या हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स हो सकते हैं हर इंस्टेंस के। ठीक है, तो जारी बात है दोनों के लिए हमारे पास जो है वो अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी 1.5 लाख को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास हम बात करें सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, तो अब हमारे पास बिलफर्ज एक ही प्रिंटर है और एक ही हमारे पास क्या है, टेप ड्राइव मौजूद है, और एक ही हमारे पास हार्ड डिस्क मौजूद है। तो इस तरह से हर रिसोर्स की सिर्फ एक एक ही हमारे पास नोड मौजूद है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ यूज करते हैं जिसका नाम है वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो वेट फॉर ग्राफ जो है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की तरह का ही एक ग्राफ है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी जो रिसोर्स नोड है उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इट इज डन बाय रिमूविंग द नोड्स ऑफ टाइप रिसोर्सेज। और हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोसेसेस को शो करवाते हैं। ठीक है, तो इन दिस ग्राफ प्रोसेसेस आर नॉट वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। तो इसमें प्रोसेस जो है वो प्रोसेसेस का वेट कर रहे होते हैं, वो रिसोर्सेस इसमें हम शो नहीं करवाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपके सामने जो है वो वेट फॉर ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये हमारे पास जो था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, प्रोसेसेस को भी शो करवाया हुआ है और जो हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उनको भी शो करवाया हुआ है। अब जो हमारे पास वेट फॉर ग्राफ है वो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोसेसेस को शो करवा देते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कहलाता है वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो वेट फॉर ग्राफ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वेट फॉर ग्राफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये डिटेक्ट करना चाह रहे हो कि हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स मौजूद हो और हम सिस्टम में देखना चाह रहे हो आया कि 1.5 लाख तो नहीं अक्कर हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है वेट फॉर एल्गोरिदम, इसका जो हमारे पास ऑर्डर निकलता है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमें काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर हमारे पास जो है इसका जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसकी कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंगल इंस्टेंस, सिंगल रिसोर्स टाइप जब हमारे पास हो। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। अच्छा, ये जो हमारे पास वेट फॉर ग्राफ है इसे हम यूज कब कब करते हैं। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम जब भी प्रोसेस रन करें कोई, तो तभी हम वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिदम को रन कर लें।
लेकिन अब ये कोई कोई ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि डेडलॉक जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा अक्कर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे इसको पीरियडिकली जो है वो चला सकते हैं, कोई एक खास टाइम रख देंगे, उस टाइम के बाद जो है हमारा ये वाला एल्गोरिथम है वो रन हुआ करेगा और देखा करेगा कि हमारे सिस्टम में कोई डेडलॉक तो अक्कर नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, वी कुड रन द एल्गोरिथम ऑन एवरी रिसोर्स रिक्वेस्ट, जब भी हमारे पास रिसोर्स की रिक्वेस्ट हो तो हम क्या करेंगे तब भी चला देंगे, लेकिन ये बेहतर सिचुएशन नहीं है हमारे पास अप्रोच। द डेडलॉक्स आर रेयर, सो इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट यूज फॉर ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन चूंकि डेडलॉक ज्यादा अक्कर नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे इसको हर रिसोर्स के रिक्वेस्ट के साथ इसको रन नहीं करेंगे। वी कुड रन द एल्गोरिदम फॉर टाइम टू टाइम, हम क्या कर सकते हैं वेट फॉर एल्गोरिदम जो है इसको हम वक्तन फवक्तन जो है वो रन कर सकते हैं, लाइक एवरी आवर आर एट रेंडम टाइम्स ड्यूरिंग द सिस्टम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कोई रेंडमली या हॉरली जो है हम अपना ये वाला एल्गोरिदम जो है इसको रन किया करेंगे, ये देखने के लिए आया कि हमारे सिस्टम में कहीं पे डेड लॉक अक्कर तो नहीं हो चुका। ठीक है, तो अब हमारे पास डेड लॉक बिलफर्ज अक्कर हो चुका है। ठीक है, हमने कोई प्रिवेंशन नहीं की और हमारे पास क्या हो गया, डेढ़ लाख हमने डिटेक्ट किया और हमें पता चला जी डेढ़ लाख हमारे पास हो चुका है। अब उस डेढ़ लाख से हमने निकलना कैसे है, वो कहता है जी दो तरीकेकार आपके पास हो सकते हैं। पहला तो ये है कि हम क्या करें प्रोसेस को किसी को किल कर दें। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, टेक अवे रिसोर्सेज, या दूसरे हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारे पास प्रोसेस था उसे हम अपने रिसोर्सेज ही वापस छीन लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास पहली कंडीशन है यहाँ पे डेड लॉक रिकवरी की, प्रोसेस टर्मिनेट अगर हम कर देते हैं तो सूरत में हमारे पास जो है वो क्या क्या अप्रोचेज हैं, तो यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं, वी कैन टर्मिनेट ऑल प्रोसेसेस, हम क्या कर सकते हैं डेड लॉक में सारे प्रोसेसेस जो है उनको किल कर दें, या दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं एक एक प्रोसेस को, यहाँ तक कि हमारा जो डेड लॉक है वो हमारे पास क्या हो जाए खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डेड लॉक रिकवरी जो है हमारे पास इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो तरीकाकार था वो था हमारे पास डेड लॉक रिकवरी का, के रिसोर्सेज जो है वो हम वापस छीन लें। ठीक है, तो इसमें हम जिस प्रोसेस से रिसोर्स को छीनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विक्टिम प्रोसेस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, विक्टिम प्रोसेस जो है वो हम बोलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा। सबसे पहले है कि जी जो हम एक विक्टिम चूज कर रहे हैं उसको कैसे चूज करना है, आखिर हमें अगर चार प्रोसेसेस हैं और उनमें डेड लॉक अक्कर हो गया है तो इनमें से कौन सा हमारा विक्टिम बनेगा। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज द सिलेक्शन ऑफ द विक्टिम प्रोसेस टू बी प्रीएम्प्टेड, इट विल बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड बाय प्रोसेस। तो जिसके पास हो सकता है कि ज्यादा रिसोर्सेज हों उसको हम क्या कर सकते हैं किल कर, उससे हम रिसोर्सेज को ले सकते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम बाय प्रोसेस, या जिस प्रोसेस ने अपना ज्यादा वक्त गुजार लिया हो उससे भी हम रिसोर्सेज को वापस छीन सकते हैं। जब हम प्रोसेसेस को प्रियम्प्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेज को हम प्रियम्प्ट कर लेते हैं, तो फिर हमने अपना जो प्रोसेस है उसे क्या करना होता है, रोल बैक करना होता है। ठीक है, तो व्हेन अ रिसोर्सेज प्रियम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस इट कैन नॉट कंटिन्यू इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन, तो अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को जारी नहीं रख सकता, उस सूरत में हमारा प्रोसेस जो है वो रोल बैक कर लेंगे। कहाँ पे रोल बैक करेंगे, पहली कंडीशन पर ही उसे रोल बैक कर लेंगे, ताकि जब उसे उसके मतलूबा रिसोर्सेज अगेन मिल जाए तो वो रिस्टार्ट जो है वो अपना ले सके। आखिरी चीज जो है वो है हमारे पास स्टार्वेशन। अब हमने इस तरह से नहीं विक्टिम को चूज करना कि हमारा एक ही विक्टिम जो है वो बार बार चूज होता रहे। ठीक है, वरना हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टारवेशन हो जाएगी, मीन के एक ही हमारे पास कोई प्रोसेस है खास P1 है, तो हम क्या कर रहे हैं हर बार जो है P1 से रिसोर्सेज को प्रियम्प्ट कर लेते हैं। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए कि हम जो है कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि मुख्तलिफ या रेंडमली जो है वो हम क्या कर सकते हैं प्रोसेसेस जो हैं वो उनको प्रियम्प्ट कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज से। ठीक है, इफ द सिस्टम हैज रिसोर्स प्रियम्पशन और डेड लॉक कैन नॉट अकर, द टाइप ऑफ रिसोर्स प्रियम्पशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज एबनॉर्मल प्रियम्पशन, इट ओनली अकर व्हेन अ डेड लॉक डिटेक्शन मैकेनिज्म डिटेक्ट्स अ डेड लॉक। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा था डेड लॉक वाला चैप्टर, ये हमारा जो मेरा एक टेंटेटिव मैंने एक बनाई हुई थी सिलेबस एक बनाया हुआ था, तो ये उसका हमारे पास आखिरी टॉपिक था। इसमें ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, ठीक है, इसमें से तकरीबन हमने सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। इसमें से जो हमारे पास बच गए हैं वो दो हैं हमारे पास, फाइल सिस्टम और आईओ सिस्टम, आप काइंडली इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी जस्ट डेफिनेशन वगैरह
इनकी देख लीजिएगा। बाकी तकरीबन हमारे पास हो चुके हैं, या कुछ ये आपके पास है इंट्रोडक्शन टू कंकरेंसी, इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये सारे का सारा सिलेबस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कवर हो चुका है। आज हमारा 8वां लेक्चर था मेरे ख्याल, और हमने 8 के 8 जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हमने पूरा जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डेप्थ मैं कहूँगा कि हमने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको काफी कुछ जो है इससे सीखने के लिए मिला होगा। अगर किसी का आप में से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें।